HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। सलमान खान मुंबई में एक ऑटो रिक्शा पर टहलते दिखे। बात ये थी कि वो बांद्रा गए थे, वहाँ महबूब स्टूडियो है, उसी में अपनी आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट के प्रमोशन के सिलसिले में गए थे। इंटरव्यू खत्म हुआ तो फिल्मेकर रमेश तौरानी के साथ अपने घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट निकल लिए, वो भी पैदल। वो आराम से टहलते हुए खरामा खरामा सड़क पर चले जा रहे थे तो एक मम्मी और बेटी से मुलाकात हो गई, दोनों उनकी जबरदस्त वाली फैन। उनसे बात मुलाकात के चक्कर में आसपास भीड़ लग गई। भीड़ लग जाए तो आजकल मामला बहुत खतरनाक हो जाता है। आदमी बिना सिक्योरिटी के रहे तो उसकी गुची पिल्लिया हो जाती है, सिक्योरिटी के साथ रहे तो भीड़ वाले पिट जाते हैं। इसलिए भीड़ से बचने के लिए सलमान खान ने एक ऑटो बुलाया और निकल लिए। सलमान शेयर वाले ऑटो में बैठ के गए हैं। इसका सबूत है ड्राइवर सीट के बगल में बैठा गरीबों का मनोज वाजपेयी जैसा दिख रहा एक शख्स।